नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। तो फाइनली दोस्तों, कॉल यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षाओं का डेट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। परीक्षाएं आपकी किस तारीख से होने वाली है, कैसे परीक्षाएं कराई जाएंगी, कितने पाली में कराई जाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले, छोटी सी अपडेट होने वाली है। चलिए अपडेट आपको फटाफट बता देते हैं। तो देखिए अपडेट क्या आ रही है। देखिए, विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षाओं का जो शुभारंभ है, यानी कि परीक्षाएं जो है 25 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। मतलब आपकी जो विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं होनी है वो 25 मार्च से आरंभ हो जाएंगी, और एक सेमेस्टर की परीक्षाएं जो आपकी होने वाली है वो आपकी 25 से 28 मार्च तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यहां पर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र शुल्क है उसकी जो जमा करने की तिथि है, उसकी जो डेट रखी गई है वो 11 मार्च रखी गई है, और विलंब शुल्क के साथ जो है जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 15 मार्च, ठीक है, ये बढ़ा दी गई है। कुलपति जी ने बताया है कि परीक्षा समिति की बैठक में शनिवार को लागू कर दिया। परीक्षा नियंत्रक अर्चना जौहरी ने बताया है कि प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का जो शुल्क है बिना किसी विलंब शुल्क को 11 मार्च 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ, 14 मार्च को 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 15 मार्च तक जमा किया सकता है। सेमेस्टर की परीक्षा आपकी 25 से 28 मार्च तक आयोजित कराने पर सहमति बनी हुई एवं चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा तिथि तथा मुख्य परीक्षा 28 जून से 8 जुलाई तक कराने पर सहमति बनी है। पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा जो है वो सेमेस्टर के साथ जो है 25 मार्च से होगी, ठीक है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो यहां पर विलंब शुल्क के साथ आपको 15 मार्च तक हर हाल में जमा करना है। परीक्षा आवेदन रोका गया था आपका रिजल्ट, लेकिन समिति होगी गठित, ये भी छोटी सी अपडेट है, आप साइड में देख पा रहे हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हायरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप डेफिनेटली यहां पर कैरियर ग्रोथ होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है रिलेवल, जिसे इंट्रोड्यूस किया है अनअकैडमी ने। काफी सारे लोगों ने रिलेवल पर तो अप्लाई किया ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहां पर टेस्ट को मिस किया है। अगर आपने यहां पर अपने चॉइस के टेस्ट को नहीं दिया है तो आज ही आपको यहां पर इनके वेबसाइट पर जाना है। इनके वेबसाइट पर आपको सैंपल पेपर का भी ऑप्शन मिलता है, मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है, एंड काफी सारी कैटेगरीज के टेस्ट आपको मिलते हैं। इन्होंने एक नई टेस्ट का लॉन्च किया है जिसका नाम है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट टेस्ट। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पर कौस्तुक को देख सकते हैं, इन्हें यहाँ पर स्टील आई की कंपनी में 18.5 लाख का पैकेज मिला है। ये एक रिलेवल के अचीवर हैं एंड इन्हें बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट भी मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस, उन्होंने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया है। दो वेल नोन कंपनीज पर यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पहली कंपनी है डिसेंट्रो, जिसमें आपको 5 to 10 lakhs तक का पैकेज मिल सकता है। दूसरी कंपनी है अर्बन कंपनी, जिसमें आपको 3 to 6 lakhs का पैकेज मिल सकता है। आज ही आपको यहाँ पर रजिस्टर होना है एंड जल्दी से अप्लाई करना है। तो ये अपडेट कहाँ की आ रही है भाई, इसको भी आपको जानने लेना, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये अपडेट आपके लिए आ रही है संपूर्णानंद की तरफ से, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से। उनकी तरफ से यहाँ पर जो है वार्षिक परीक्षा है 25 मार्च से आरंभ होगी, और विलंब शुल्क आप जो है 15 मार्च तक जमा कर सकते हैं परीक्षा आवेदन। और आप लोग अपने मित्रों के साथ भी इस न्यूज को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस न्यूज के बारे में मालूम हो सके। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से अपडेट आपको डेली मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।